हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नो वाला। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इग्नो स्टूडेंट्स को लेके कि इग्नो स्टूडेंट्स कैसे पास हो एग्ज़ाम में और कैसे अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करें। ठीक है, तो आज की क्लास इग्नो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि इग्नो में आपके अच्छे मार्क्स आएँ, आप अपने अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें, तो आपको कुछ फॉर्मेट है वो आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है फ्रेंड्स, आपका सिलेबस क्या है, क्या देखना है आपको। सबसे पहले अपना सिलेबस एक बार ध्यान में रखना है कि आपका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के अंदर आपके चैप्टर्स क्या है। ठीक है, कि सिलेबस के अंदर आपके मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से आने वाले हैं, मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको निकालने होंगे। क्लियर, आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर निकालने हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर निकालने के बाद आप उन इम्पोर्टेंट चैप्टर में भी ये देखेंगे कि इम्पोर्टेंट की कौन कौन से हैं इसमें, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट की क्या है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो आपको सिलेबस दिया गया है, सिलेबस में तो बहुत सारा कुछ पढ़ने के लिए दिया गया है, लेकिन आप इतना सारा क्या पढ़ सकते हैं, इतना टाइम भी नहीं होता है पढ़ने के लिए कि इतना सारा पूरा ही सिलेबस कवर किया जाए। तो आपका सिंपल सा फॉर्मेट है कि सिलेबस में आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि आपके मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर भी आप क्या देखेंगे कि उन चैप्टर्स के अंदर इंपॉर्टेंट की कौन से हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपना सिलेबस देखेंगे। देन सिलेबस के बाद आप क्या देखेंगे, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप एक बार नज़र देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी एक बार ज़रूर देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने का कारण क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, इग्नो में क्या होता है कि इग्नो में ज़्यादातर लास्ट ईयर के ही क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, सपोज़ कीजिए कि आपने जून 2023 में एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, इससे पहले 2022 में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेंगे जो 2023 में भी रिपीट किए गए हैं, यानी कि रिपीट फॉर्मेट इग्नो में बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो विद इन 5 ईयर, 5 साल के अंदर के जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे आप उन्हें एक बार ज़रूर देखेंगे, उनसे आपको नॉलेज मिलेगी, उनसे आपको अंदाज़ा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फॉर्मेट है आपके एग्जाम को क्लियर करने का, देन आपकी प्रैक्टिस करने का बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है। क्लियर, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होना चाहिए, आप अपने एग्जाम पैटर्न को देखेंगे। जिस टाइम आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें एग्जाम पैटर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम पैटर्न में आपको क्या करना होगा कि जब आप आंसर की स्टार्टिंग करेंगे, स्टार्ट आंसर विद इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं हमेशा से यही कहती हूँ और हमेशा यही होना चाहिए कि आप जब भी किसी भी आंसर को स्टार्ट करेंगे लिखना, ठीक है, तो आप उसकी स्टार्टिंग किसके साथ करेंगे, इंट्रोडक्शन के साथ करेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन परिचय के साथ आप उसकी स्टार्टिंग करेंगे और उसके साथ आप डायग्राम का यूज़ करेंगे। ठीक है, सपोज़ कीजिए आपसे क्या पूछा गया है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, तो आपने 2-3 पेज पॉलिटिकल थ्योरी परिचय में ही भर दिए, उससे ज़्यादा बेस्ट क्या होगा कि आप पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में जो भी बताएंगे विद डायग्राम, अच्छे से विद डायग्राम के साथ जब आप पॉलिटिकल थ्योरी को शो करेंगे तो टीचर भी देखकर क्या सोचेगा कि हाँ, बच्चा पढ़ा लिखा है, ठीक है, बच्चा पढ़ कर आया है, आपके मार्क्स वो अच्छे से अच्छे देने की कोशिश करें, क्योंकि आपने किसका यूज़ करा है, आपने डायग्राम का यूज़ करा है। तो कोशिश करें कि आप अपने आंसर में डायग्राम का यूज़ ज़रूर करें। क्लियर, नेक्स्ट आपको हेडलाइंस का यूज़ करना है, अब आप अपने आंसर में हेडलाइंस का यूज़ ज़रूर करें। ठीक है, उसके बाद राइट थिंकर्स व्यूज़, थिंकर्स नेम लिखना, थिंकर्स व्यूज़ लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि थिंकर्स व्यूज़ आपके आंसर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, बहुत अच्छी से आपकी प्रेजेंटेशन होती है अगर आप आंसर में थिंकर्स व्यूज़ डालते हैं। ठीक है, और वो भी थिंकर व्यूज़ जो आप डालेंगे वो भी विद पॉइंट होने चाहिए, पॉइंट के साथ साथ जब आप थिंकर व्यूज़ डालेंगे तो आपका आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट होगा। क्लियर, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके आंसर में एविलेशन, क्रिटिसिज्म और कंक्लूजन लिखना बिल्कुल ना भूले, मीन्स आप अपने आंसर में विकास, कोई भी क्वेश्चन है उसका विकास और उसकी आलोचना, ठीक है, आलोचना, देन लास्ट में उसका निष्कर्ष,
ये लिखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इस तरीके से आप अपना एग्जाम पैटर्न फॉलो करते हैं तो आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्लियर। और बाकी आपका जो ये सिलेबस होगा, सिलेबस चाहे तो फ्रेंड्स देखिए आप बुक से भी कैरी कर सकते हैं, बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक में क्या होता है, एक तो बुक की लैंग्वेज हार्ड होती है। क्या होती है, बुक की लैंग्वेज आपको हार्ड होती है, जल्दी से बुक की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। और दूसरा कारण क्या होता है कि इतना स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता है कि पूरी बुक ही कवर कर सके, पूरी बुक आराम से बैठकर पढ़ सके, इतना भी टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक सिंपल सी चीज़ है कि आप टेंशन ना ले, इग्नो वाला आपके हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो अपलोड करता रहेगा। आप इग्नो वाला चैनल के थ्रू अपने किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी टॉपिक की, किसी भी चैप्टर की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, क्लियर। तो थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।